हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन जेलेटिन एंड वेजिटेरियन जेलेटिन। हमारे पहले वीडियो डिफरेंस बिटवीन एगर एगर एंड जेलेटिन के बाद आपकी कई टिप्पणियां मिली कि वेजिटेरियन जेलेटिन भी होता है, तो हमें लगा इस विषय में भी जानकारी साझा की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये जेलेटिन, जिलेटिन क्या है, इसके लिए आप हमारा वीडियो डिफरेंस बिटवीन एगर एगर एंड जिलेटिन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं। इसलिए जिलेटिन क्या है इस पर अधिक समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी अवगत हैं कि असली जिलेटिन एक मांसाहारी उत्पाद है। ये पशुओं की खाल और हड्डियों से प्राप्त किया गया कोलेजन यानी एक प्रकार का प्रोटीन है। जिलेटिन पर इस वीडियो में जानकारी हमारे पहले वीडियो का विस्तार ही है। वैसे तो यह जिलेटिन हमेशा गर्म तरल या लगभग तरल में ही घुलने के बाद जमता है, अर्थात यह एक जमाने वाला उत्पाद है। इसी प्रकार से इससे कस्टर्ड, जेलो, गमी जेलीज और नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे एक खुले बर्तन में एक भाग जिलेटिन और पांच भाग पानी लेकर तैयार किया जाता है। यहाँ एक भाग का अर्थ है आपके व्यंजन में दी गई मात्रा। इसके बाद इसको कुछ मिनटों तक रख दिया जाता है, जब तक यह इस तरह का स्वरूप ना ले ले। आप यह बात सदैव ध्यान रखें कि आपको जिलेटिन को ठंडे पानी में ही तैयार करना है। इस स्वरूप में ही आने के बाद इसे व्यंजन में प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया ब्लूमिंग जिलेटिन कहलाती है। यदि आप बिना ब्लूम किए जिलेटिन का उपयोग करते हैं तो आपको गुठलियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे विदेशों में बिना ब्लूमिंग वाले जिलेटिन भी उपलब्ध हैं। इस जिलेटिन का जन्म पश्चिमी देशों में 18वीं शताब्दी में हुआ और इस तरह का सूखा जिलेटिन 1842 में ही उपलब्ध हो पाया था, पर आज जिलेटिन विश्व भर में प्रचलित है। जिलेटिन बड़े किफायती मूल्यों में किराना दुकानों में उपलब्ध है। जिलेटिन के 50 ग्राम का मूल्य 75 रुपए से शुरू हो जाता है। इसके समाप्त होने की अवधि 12 महीने रहती है। इसको आप नमी, गर्मी और रोशनी से दूर संभाल कर रखें। आज का दूसरा उत्पाद है यह वेजिटेरियन जिलेटिन। जिलेटिन पशुओं से प्राप्त की जाती है, तो सही दृष्टि में यह पाउडर जो आपके सामने है, यह जिलेटिन का एक विकल्प है जो बाजार में वेज जिलेटिन के नाम से उपलब्ध है। इस वेज जिलेटिन में छोटे छोटे एल्गी से प्राप्त पॉलीसेक्राइड और कई बार पेड़ों से प्राप्त गोंदों का मिश्रण होता है, और कई बार यह एक उत्पाद यानी कि जैसा ये आपके सामने है यह भी हो सकता है। और कई बार आप देखेंगे बाजार में एगर एगर को भी वेजिटेरियन जिलेटिन के नाम से बेचा जाता है, परंतु आज हमारे पास जो उत्पाद है वह एगर एगर की तरह छोटे छोटे समुद्री पादप कैरागिन से प्राप्त पॉलीसेक्राइड है और इसी पादप के नाम से इसे कैरागिनन कहा जाता है। बाजार में उपलब्ध वेजिटेरियन जिलेटिन के 75 से 80% उत्पाद यही कैरागिनन होते हैं। कैरागिनन को अक्सर कॉन्ट्रस क्रिस्पस नामक समुद्री पादप, जिसको आयरिश मॉस भी कहते हैं, से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग लगभग एगर एगर की तरह ही होता है। इसको पहले ठंडे या सामान्य तापमान वाले तरल या पानी में घोलकर पकाया जाता है। इस कैरागिनन को शरीर पचा नहीं सकता है, इसलिए इसका कोई लाभ नहीं है। यह केवल पकवानों को बनाने की सहायक सामग्री या जमाने वाली सामग्री है, जो जिलेटिन का शाकाहारी विकल्प कहलाता है। कैरागिनन के मुख्यतः तीन प्रकार हैं, परंतु जमाने वाले तत्व के रूप में कापा कैरागिनन, जिसको E407 से इंगित किया जाता है, उपयोग होता है। यह भी ऑनलाइन स्टोर्स और केक और आइसक्रीम का कच्चा सामान बेचने वाली दुकानों में उपलब्ध है, और इस 25 ग्राम के पैकेट का मूल्य 60 रुपए है। इसके समाप्त होने की अवधि 12 महीने है। इसको आप अच्छे से बंद होने वाले डब्बे में नमी, गर्मी और रोशनी से दूर संभाल कर रखें। जिलेटिन और वेजिटेरियन जिलेटिन और जो हमारे पास यहाँ पे कैरागिनन के रूप में है, दोनों ही जमाने वाले तत्व हैं। इन दोनों की ही मात्रा व्यंजन विधि के अनुसार उपयोग करें। कैरागिनन एगर एगर की तरह कम मात्रा में ही उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप 400 से 500 ml दूध और तरल से मिल्क पुडिंग बना रहे हैं, तो 2 ग्राम कैरागिनन जो यहाँ वेज जिलेटिन के रूप में है उपयुक्त रहेगा। आप जिलेटिन वाले पकवानों से
इस वेज जिलेटिन को बदलने की जगह वेज जिलेटिन वाले व्यंजन विधि का उपयोग करें, क्योंकि यह संरचनात्मक रूप से जिलेटिन का विकल्प नहीं अपितु एक जमाने वाला तत्व है। और हम आशा करते हैं आज की हमारी जिलेटिन और वेजिटेरियन जिलेटिन की यह झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।